निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग के दौरान टीकमगढ़ के वार्ड एक में विवाद हो गया था। भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के छोटे भाई यशराज गिरी को चोट आई है। वो घायल अवस्था में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे। मामला बढ़ता हुआ देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री बुंदेला ने पुलिस और प्रशासन पर सरकार के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। कहा कि झगड़े में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। वहीं बीजेपी विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार को लेकर घबरा रही है, इसलिए विवाद पैदा कर चुनाव जीतना चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता सुकून महसूस कर रही है, लेकिन इनकी छटपटाहट चाहती है कि हमें सत्ता मिल जाए। यह सत्ता बूथ कैप्चर के माध्यम से हथियाना चाहती है, इसलिए आज यादवेंद्र सिंह ने सभी वार्डों में बूथ कैप्चर का प्रयास किया। वार्ड नंबर 1 में बूथ कैप्चर का प्रयास किया। मैंने विरोध किया तो मेरे भाई पे जानलेवा हमला किया।